उत्तराखंड में कांग्रेस करेगी ईवीएम की निगरानी। आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने प्रत्याशियों जिलाध्यक्षों से अपील की है, कांग्रेस को स्ट्रांग रूम की निगरानी को लेकर भी चिंता है। ये कहा गया है गणेश गोदियाल की इस चिंता के कई मायने मतदान के बाद से ही कांग्रेस लगातार अच्छे प्रदर्शन की बात कहते हुए सरकार बनाने का भी दावा करने में लगी हुई है। साथ ही पूर्व सीएम हरीश रावत ने खुद को मुख्यमंत्री के रूप में भी प्रोजेक्ट करना अब शुरू कर दिया है। तो वहीं अब कांग्रेस को स्ट्रांग रूम में निगरानी को लेकर भी चिंता होने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इंटरनेट मीडिया के जरिए पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों और उम्मीदवारों से अपील करते हुए कहा कि परिणाम वाले दिन यानी 10 मार्च तक स्ट्रांग और मतगणना स्थलों की निगरानी करें। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल के इस बयान के कई मायने हैं। कांग्रेस को आशंका है कि मतगणना से पहले कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। उत्तराखंड की 70 सीटों पर इस बार 632 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। 14 फरवरी को सभी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। आप बीएसपी उत्तराखंड क्रांति दल और निर्दलीय उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर सबकी नजर है, लेकिन पिछले 4 चुनाव की तरह मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने प्रचार के दौरान 60 पार का नारा दिया था, जबकि कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दे को लेकर सत्ता में आने का दावा कर रही थी। मतदान के बाद कांग्रेस का उत्साह और बढ़ता हुआ नजर आया। तो इसके साथ ही हम आपको अहम जानकारी दे रहे हैं, जहां पर अब ईवीएम की सुरक्षा के लिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि ईवीएम की सुरक्षा की जाए। देखिए, अब क्योंकि मतदान होता है और उसके बाद अब सबकी निगाह ईवीएम पर टिकी होती है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, और ऐसे में देखिए अब आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो बीजेपी है वो ईवीएम पर छेड़छाड़ कर सकती है, अब जिसको लेकर कांग्रेस सतर्क हो गई है। अब कांग्रेस ने मांग की है कि वो ईवीएम की सुरक्षा की जाए। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग को कहा भी है और साथ ही साथ वो खुद भी इसकी निगरानी कर रही है। तो आपको अहम जानकारी हम दे रहे हैं, जहां गणेश गोदियाल की इस चिंता के कई मायने बताए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रत्याशियों और जिलाध्यक्षों से ये अपील की है, उत्तराखंड में कांग्रेस करेगी ईवीएम की निगरानी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने प्रत्याशियों जिलाध्यक्षों से यह अपील की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस ईवीएम की निगरानी करेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रत्याशियों और जिलाध्यक्षों से यह अपील भी की है कि कांग्रेस को स्ट्रांग रूम की निगरानी को लेकर अब चिंता है। देखिए, उन्होंने ये चिंता भी व्यक्त की है। गणेश गोदियाल की इस चिंता के कई मायने भी हैं। मतदान के बाद से ही कांग्रेस लगातार अच्छे प्रदर्शन की बात कहते हुए सरकार बनने का भी दावा कर रही है। साथ ही पूर्व सीएम हरीश रावत ने खुद को मुख्यमंत्री के रूप में भी प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो देहरादून से मदन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मदन, देखिए अब ईवीएम को लेकर, क्योंकि देखिए जब चुनाव होते हैं तो ईवीएम का मुद्दा कहीं ना कहीं आता है, और अब कांग्रेस ईवीएम की निगरानी के लिए अब चुनाव आयोग को बोल रही है कि निगरानी की जाए। जी सत्या, देखिए जब से जो है मतदान हुए हैं तब से कांग्रेस जो है अपने जीत का दावा जो है अलाप रही है, और निश्चित रूप से जिस तरह से ईवीएम को लेके पिछला जो हमने चुनाव देखा था उसमें ईवीएम को लेके जो है तमाम जगह सवाल उठे, चाहे वो उत्तराखंड हो और चाहे अन्य प्रदेश हो, जगह जगह जो है ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, क्योंकि जो है भारी बहुमत से जो है भाजपा को प्रचंड बहुमत से जो है पिछली बार सहयोग मिला था, जनता ने जो है दिन खोल के उनको वोट दिए थे। लेकिन कांग्रेस ने पिछली बार भी ये जगह जगह सवाल उठाए, लेकिन ईवीएम को लेकर जो ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और वोट किसी को डाल रहे और वोट किसको जा रहा है, इस तरीके की जो तमाम प्रयास लगाए गए थे 2017 के चुनाव में भी, और इस बार भी कांग्रेस जो है ये सवाल लेके कहीं ना कहीं खड़ी हो रही है। और जैसे कि अभी हमने देखा गया कि हरीश रावत ने जिस तरीके से ट्वीट किया है कि ईवीएम की सुरक्षा जो है सर्वोपरि है, सबसे पहले ईवीएम की सुरक्षा को देखो, और उन्होंने सभी को निर्देशित भी किया गया, और फिर उनके जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल उन्होंने जो है अपने जिलाधिकारी को भी
इस तरीके के दिशा निर्देश दिए हैं कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए जो किसी तरीके की कोताही न बरती जाए और प्रत्येक जगह जो है अपने व्यक्ति को लगाया जाए, और खासतौर पर चुनाव आयोग से भी उन्होंने इसके लिए गुहार लगाई है। तो निश्चित रूप से एक ये भी पहलू है कि जिससे ईवीएम को लेकर हर समय सवाल खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता करना स्वाभाविक ही है। और कांग्रेस इस बार जिस तरीके का दावा कर रही है, जीत का दावा कांग्रेस कर रही है कि इस बार जो है उत्तराखंड में जो है फिर से परिवर्तन होगा और जो पुरानी परंपरा है वो कामयाब रहेगी यहाँ पे, और फिर से एक बार जो है कांग्रेस यहाँ पे आने जा रही है और जिसके सभी प्रत्याशी दावा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मन में ये सवाल भी उनसे है कि कहीं ईवीएम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए उन्होंने जो ये गुहार लगाई। हालांकि मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए जो है, चाहे चुनाव आयोग की बात करूं या उत्तराखंड सरकार की बात करूं, तमाम जो है व्यवस्था की गई है। तीन लेयर में जो है ईवीएम मशीनों को रखा गया है स्ट्रॉन्ग रूम में, उसके बाद जो सीपीआरसीएफ के जो जवान है, उसके बाद से दूसरी जो लेयर है वो आर्म फोर्स की है, और तीसरी लेयर जो है स्थानीय पुलिस है उनकी ये फोर्स लगाई गई है। तो इसलिए इतना आसान कार्य ये नहीं है कि अगर जो है वहाँ पे कुछ छेड़छाड़ की जाए। बहरहाल जिस तरीके की पुरानी व्यवस्था रही है या पिछली बार जिस तरीके के दावे किए गए थे कांग्रेस की तरफ से, वो उस चिंता को लेकर कहीं ना कहीं इन्होंने ये गुहार लगाई और अपने बिल्कुल। और मदन देखिए, देखा भी इस तरीके से गया है कि जब जब चुनाव आते हैं या फिर रिजल्ट की तारीख आती है, मतगणना होती है, तो ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बन जाता है उन विपक्षी पार्टियों के लिए भी और उन पार्टियों के लिए भी जो सत्ता में है। और देखिए अब क्योंकि अपनी जीत का दावा इस तरीके से वो ठोक रहे हैं और ऐसे में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो ईवीएम कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बन सकता है। नहीं, निश्चित तौर पर जिस तरीके से देखा गया है कि ईवीएम को लेकर तमाम सवाल खड़े गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशियों के मन में एक ये सवाल रहता है कि कहीं ऐसा रहो कि मुझे जो है बहुमत दिया है, क्या कहते हैं, जनता का आशीर्वाद मिला है, उसके बाद कहीं ईवीएम में इस तरह की गड़बड़ी ना की जाए जिससे जो है एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़े। तो सभी प्रत्याशियों को मन में भी ये चिंता है, और खासतौर पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो खासतौर पर इस बात को लेकर सामने लेके आए हैं कि ईवीएम में किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए जो है पुख्ता इंतजाम किए जाए और उनके जो कार्यकर्ता हैं। तो इस पर मदन बीजेपी का क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखिए कांग्रेस तो बोल चुकी है कि ईवीएम पर जो गड़बड़ी की आशंका है, बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए बीजेपी का इसको कहना है कि भाजपा की जब भी सरकार रही है तभी इस तरीके की कोई छेड़छाड़ी ईवीएम के साथ नहीं की गई, और ये दावा जो है वो चाहे 2017 के चुनाव की बात करें, चाहे आपकी इस बार के 2022 के चुनाव, उसमें भी भाजपा का यही कहना है कि कभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं की गई। हालांकि सरकार यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन ईवीएम में इस तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता है। ये मामला केंद्र से जुड़ा होता है, केंद्र से जुड़ा हुआ मामला है, चुनाव आयोग जो है इसकी पूरी निगरानी अपने पास रखता है, तो कैसे जो है कोई इसमें गड़बड़ी कर सकता है? और तीन तीन लेयर जब जो है स्ट्रॉन्ग रूम को बाहर लगाई गई है, तो किस तरीके की गड़बड़ी हो सकती है ये बताना मुश्किल है। हालांकि भाजपा ने इससे स्पष्ट तौर से कहा है कि कभी भी जो है चुनाव में इस तरीके की गड़बड़ी नहीं हुई है, और लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनती है तब वो ये दावा क्यों नहीं करते हैं कि जो है ईवीएम में गड़बड़ी हुई, हमने कभी इस तरीके की बात नहीं कही है, ये जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है, जिसको जनता चाहती है उसी को लेके आती है। कांग्रेस जो है हार का मूल निरंतर देख रही है और इसीलिए उनको इस तरीके की आशंका यह नजर आती है। हालांकि इस तरीके की कोई भी बात नहीं है, ईवीएम मशीनें जो है बिल्कुल सेफ है, स्ट्रॉन्ग रूम में, और उसके लिए जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी जी बिल्कुल। और देखिए अब देखना होगा कि 10 मार्च के बाद क्या कुछ ईवीएम को लेकर बोला जाता है विपक्षियों की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। और देखिए अगर हम हरीश रावत के बयान पर गौर करें, क्योंकि अब हरीश रावत का जो एक बयान है वो सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के पद के लिए खुद को दावेदार बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर वो कोई पद लेंगे तो वो मुख्यमंत्री का लेंगे, नहीं तो वो घर बैठ जाएंगे। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं अब तमाम कांग्रेस के नेता? जी देखिए, हरीश रावत का बयान जो है 2-3 दिन से वायरल हो रहा है, और हरीश रावत ने स्पष्ट तौर पर इस बात को कह दिया है, हालांकि चाहे अपनी उम्र के लिहाज से कह रहे हों या अपनी सीनियरिटी के लिहाज से कह रहे हैं, और खासतौर पर जिस तरीके से उनके चेहरे के लिए चुनाव लड़ा गया है उसके लिए उन्होंने ये बात रखी गई है कि अब जो है मैं ये अपने जो आखिरी के दिन है उसमें जो है एक अच्छी विदाई में चाहता हूँ, और अगर जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ सेवा बाकी बची है वो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बात कही है कि अगर मुझे एक बार फिर से मौका मिलता है और मुझे एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में जो है
जनता देखती है, तो मुझे ये मौका मिलना चाहिए और मेरे जो बाकी के कार्य में वो निपटारा करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से वो सीनियर लीडर है कांग्रेस के, तो उस बदौलत की जो है उन्होंने ये बात कही है कि इस बार जो है फिर से उनको मौका मिलना चाहिए। हालांकि हमने जिस तरीके से देखा कि कांग्रेस के कई अन्य नेता जो है इस चीज को लेके किसी तरीके की बयानबाजी नहीं कर रहे, हालांकि उन्होंने ये कहा है कि ये जो फैसला है आला कमान का है और आला कमान जिस तरीके की जो फैसला देगी हम जो है उसको स्वीकार करेंगे, चाहे वो हरीश रावत की बात करें। और उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की बात करो तो दो चेहरे बिल्कुल आमने सामने है, उसमें एक है प्रीतम सिंह जो अभी नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और हरीश रावत जी, ये दोनों ही जो है सीएम पद के लिए दावेदारी रख रहे हैं और जनता इनके साथ भी। और कई नेता है वो सपोर्ट में भी है उनको लेकर, हरीश रावत को लेकर, और जहाँ की कुछ नेता बोल रहे हैं कि ये जो मामला है वो आला कमान का है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि आला कमान ही निर्णय करेगा कि सीएम पद पर दावेदारी कौन करेगा। लेकिन अगर 2012 की हम बात करें तो उस दौरान भी हरीश रावत ने खुद को सीएम पद का उम्मीदवार के लिए बोला था, हालांकि उस वक्त बहुगुणा बन गई सीएम, लेकिन दो साल बाद ही उनको हटाकर हरीश रावत को भी बना दिया गया और अब एक बार फिर से वही रुख अपनाते हरीश रावत नजर आ रहे हैं। जी निश्चित तौर पर उस समय में हमने देखा था कि बहुत बड़ा एक इनका जो है घुसरघात की बात करे या एक दूसरे की छिका की बात तो निकल के सामने आई थी सपना। और हमने देखा 2012 में जो है एक बार जो है ये भी घोषणा हो गई थी कि प्रीतम सिंह को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन उसके बाद किस तरीके की परिस्थितियां अचानक में बनी और अचानक में ही ये जो है निर्णय लिया गया कि जो विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि उस समय में जो हरीश रावत ने जो टांग आई थी उसी के चलते ये है क्योंकि हरीश रावत को उस समय नहीं बनाना था, तो इसलिए जो है ना हरीश रावत को बनाया गया ना प्रीतम सिंह को बनाया गया, इसलिए जो है उस समय भी एक तीसरा विकल्प के रूप में उन्होंने जो है विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि हरीश रावत अपनी जिद पे अड़े रहे, उसके बाद जो है दो साल बाद ये निर्णय लिया गया कि हरीश रावत को जो मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन प्रीतम सिंह जो है कहीं ना कहीं अभी तक इस पद से अछूते हैं और उनकी इस बार दिल्ली तमन्ना भी है, लोगों की चार से ही विधायक उनके साथ भी है, तो निश्चित रूप से दोनों ही ये जो हरीश रावत और प्रीतम सिंह आमने सामने हैं। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके का आला कमान फैसला लेती है, 10 तारीख को क्या रिजल्ट आता है, क्या कांग्रेस के पक्ष में इस बार जनता ने मजबूती से वोट दिए हैं, यह भी देखने वाली बातें हैं। बहरहाल ये तो चर्चा का एक दौर है और निश्चित रूप से अभी कई ऐसी चर्चाएं सामने आती रहेंगी। जी बिल्कुल, और देखिए एक जानकारी ये भी मिल रही है कि दिल्ली में जो मीटिंग करने वाले हैं गृहमंत्री अमित शाह के साथ, सीएम धामी जो है वो आएंगे और साथ ही साथ मदन कौशिक भी होंगे, तो इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, अभी जो चुनाव के बाद पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए हैं और अमित शाह के साथ बैठक होगी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इसमें शामिल होंगे। आगे की जो रणनीति है उसके लिए तमाम ये बैठक की जा रही है और किस तरीके की आगे व्यवस्था होगी, अगर जो है भारतीय जनता पार्टी के हित में अगर जनता ने आशीर्वाद दिया है तो फिर किस तरीके की आगे की रणनीति रहेगी, उसके लिए ये तमाम चर्चाएं होंगी। और चूंकि ये अंदरूनी मामला है भाजपा का, तो इसलिए अभी कोई स्पष्ट तौर से ऐसी बयानबाजी सामने नहीं निकल के आई है, लेकिन एक देखा जाए तो चलिए इस मीटिंग में क्या कुछ होता है देखना होगा, किन मुद्दों को उठाया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये मामला जो है अब गर्मा गया है और इस मामले पर और जानकारी के लिए हम बात करेंगे दीप बोहरा जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। दीप बोहरा जी, क्या कुछ आपका कहना है ईवीएम को लेकर, आपकी दोबारा से जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है, क्योंकि देखिए चुनाव से पहले आप इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आपने 2016 में भी देखा था और जब निशंक जी थे चीफ मिनिस्टर तब भी आपने देखा था कि कितना बड़ा कुठाराघात इन लोगों ने और वाजपेयियों ने किया था। भाजपा सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है और अभी तो इनको 57 सीट अपनी अमित शाह जी को और धामी जी को बचानी है, अगर नहीं बचा पाए तो क्या हालात होंगे। मोदी जी के नाम पे वोट मांगा 2016-17 में, किस तरह कुठाराघात उत्तराखंडियत पे करने के बाद इन्होंने हमारी सरकार में तोड़फोड़ करी। तो ये सब चीजें हैं और कई बार ईवीएम में कई घपले हो चुके हैं कि हमारे पास शिकायत है कैंट विधानसभा में, राजपुर विधानसभा में और पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ 8:30-9:30 बजे। और देखिए बीजेपी की तरफ से ये आ रहा है कि रिजल्ट आने से पहले इस तरीके की बयानबाजी अब कांग्रेस की शुरू हो गई है, क्योंकि वो अपनी हार से अब डर रहे हैं और इसलिए ईवीएम को मुद्दा बना रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, पूरे उत्तराखंड ने आशीर्वाद अपना ईवीएम में दिया है कि आने वाली सरकार इस प्रदेश में किसकी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेता और कार्यकर्ता
प्रदेश की रक्षा करें, तो ये प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके रक्षा करने के लिए ही ये बयान गणेश गुड़ियाल जी का है। और अब कौन सा हम जाके अंदर ईवीएम में छेड़छाड़ कर रहे हैं, या अंदर हम जहाँ पे ईवीएम रखी गई है वहाँ पे हमारे जाके लोग बैठ रहे हैं, हम तो बाहर खड़े हैं, हम तो नजर रख रहे हैं कि अमित शाह जी का पहले भी कार्यकाल बड़ा दुर्व्यवहार वाला ईवीएम पे रहा है, तो इसमें अगर हमारे लोग नजर बनाए रख रहे हैं तो ये जनता का आशीर्वाद है, और जनता ने जो कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है वो सरपल ही सिरोधारी है हमारे। जी देवेंद्र भसीन प्रदेश उपाध्यक्ष भी हमारे साथ इस दौरान जुड़ गए हैं, उनसे भी मान लेते हैं। देखिए अब एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा उठ गया है, उनको कांग्रेस को ये लग रहा है कि आप अब ईवीएम के साथ कुछ छेड़खानी कर सकते हैं, इसलिए वो खुद ही मैदान में उतर चुके हैं ईवीएम की सुरक्षा के लिए। क्या कुछ कहना है आपको? साफ है कि कांग्रेस ने अपनी हार अभी से मान ली है, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा तभी उठाते हैं जब इनको हार दिखाई देती है। हमारा इनसे सवाल है कि जब पंजाब में पिछली बार चुनाव हुए थे, राजस्थान में हुए थे, छत्तीसगढ़ में हुए थे, तभी ईवीएम थी, तब तो इनको परेशानी नहीं, कांग्रेस जीत करके आई थी। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की एक फितरत है कि वो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे अपना न्यायालय हो, चाहे कोई और संस्था हो, उस पर वो सवाल खड़े करते रहते हैं। ईवीएम की क्षुद्र राजनीति चैक वो है, हमारा पूरा आयोग पर विश्वास है और ईवीएम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि पहले भी कांग्रेस ने विपक्षी दलों ने बहुत शोर मचाया था, लेकिन हमेशा ईवीएम ठीक निकली, अब भी ठीक ही है। लेकिन चूंकि कांग्रेस को डर है कि वो हार रही है, इससे अभी से वो कुछ ताना बाना भून करके मुंह छुपाने के लिए बहाने ढूंढ रही है। तो देवेंद्र जी, ऐसा क्यों होता है कि हर बार बीजेपी आपकी अगर जब सरकार होती है तो तमाम पार्टियां, सिर्फ मैं कांग्रेस का जिक्र नहीं करूंगी, तमाम पार्टियां चाहे वो एसपी हो बीएसपी हो, उनको यही डर रहता है कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी केंद्र में है और ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है? देखिए पहली बात है कि सरकार चुनाव को नहीं कराती, चुनाव कराता है आयोग। एक बार जब हम ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें आयोग की निष्पक्षता पर विश्वास नहीं है, तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है जो इन दलों को समझनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वही ईवीएम से जब कांग्रेस जीतती है या कोई और पार्टी जीतती है तब ईवीएम इनको अच्छे लगने लगती है, और जब ये हारते हैं तो ईवीएम में इनको जो है कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो आप उत्तराखंड कांग्रेस इस प्रकार की बातें कर रही है, तो बहुत साफ है कि इनको अभी से महसूस हो गया है कि चुनाव हारने वाले हैं। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं, दीप बोहरा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए आपने देवेंद्र भसीन की बातें सुनी, आपने भसीन की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस अब हार के डर से इस तरीके का मुद्दा उठा रही है। देखिए संवैधानिक संस्थाओं का मोदी सरकार ने जो हाल किया, दुराचार किया है, ये सबको पता है। टीएन सेशन के जमाने का चुनाव आयोग क्या होता था और आज चुनाव आयोग किस दलील पे खड़ा है ये भी जनता देख रही है, कांग्रेस भी देख रही है, कांग्रेस वाले भी इस देश के वासी हैं। दूसरी बात, हम आप मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि जो पहले कुठाराघात भाजपा से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंडियत पे कई बार कर चुकी है और जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, हम छेड़छाड़ करने नहीं क्यों कह रहे, हम छेड़छाड़ करने नहीं जा रहे, अभी रिजल्ट नहीं आ गया क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये हार चुके हैं, इनको पता है, बुखलाए हुए इनके विधायक है, क्या लेकिन चुनाव तो बीजेपी नहीं कराती है ना, चुनाव तो चुनाव आयोग कराता है ना, निगरानी चुनाव आयोग के जरिए होती है, या तो आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमने तो चुनाव आयोग को तो कई बार हमने पत्र लिख के इसकी शिकायत की है, चाहे हमारे एआईसीसी के, नहीं आप समझाइए ना, बीजेपी कैसे छेड़खानी कर लेगी? देखिए एक स्ट्रांग रूम होता है, सीसीटीवी कैमरे से उसकी निगरानी की जाती है, बहुत सारे वहाँ पर पुलिस कर्मियाँ होते हैं, चुनाव आयोग के अंदर ये सारा काम होता है, लेकिन बीजेपी कैसे कर सकती है, समझना चाहूंगी। आपको नहीं पता कि कलकत्ता में क्या हुआ है, कोलकाता में क्या हुआ है, आपको नहीं पता कैसे इनके नेतागणों के यहाँ मशीन और गाड़ियों में मशीनें मिली, आपको नहीं पता, सारे मीडिया चैनल्स ने चलाया, आपके भाई बंधुओं ने चलाया, तो आपने देखा नहीं वहाँ पे, तो ये सारी चीजें हैं। हम तो गेट के बाहर से निगरानी रख रहे हैं, कौन सा स्ट्रांग रूम में जाकर निगरानी रख रहे हैं। चलिए देवेंद्र भसीन जी जवाब दीजिए। देखिए हमारे मित्र जो बात कह रहे हैं बंगाल की, बंगाल में अगर ईवीएम में गड़बड़ की होती हमने तो बंगाल का चुनाव हम जीतते, ममता बनर्जी तो ना जीतती,
ममता बनर्जी बहुत से भारी बहुमत के साथ जीती हैं, तो इनके प्रश्न का खुद ही इनको उत्तर मिल गया कि जो इनके आरोप हैं वो अपने आप आधारहीन है। एक बात, दूसरी बात मेरा इनसे सवाल ये कि कांग्रेस जब जीती थी पंजाब के अंदर तब इन्होंने ईवीएम को तो जिंदाबाद कह दिया था, इसी प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस जीती थी तब भी जिंदाबाद इन्होंने कहा था, छत्तीसगढ़ में जीती थी तब भी जिंदाबाद कहा था, यानी कि जहाँ अनुकूल परिणाम आएंगे तो वहाँ तो चुनाव आयोग भी ठीक है, ईवीएम भी ठीक है, लेकिन जहाँ हारते हैं वहाँ चुनाव आयोग भी छक के दायरे में है। और आपने बहुत ठीक कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सेंट्रल फोर्सेज लगी हुई हैं, चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी काम कर रही है, ऑब्जर्वर काम कर रहे हैं, यानी कि सारे के सारे जो है वो कटघरे में खड़े कर दिए इन लोगों ने, तो कैसे लोकतंत्र में विश्वास करके काम करेंगे लोग। तो लोकतंत्र में अगर रास्ता है तो हमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को भी स्वीकार करना होगा। तो इस स्पेसिफिक कोई शिकायत है जरूर करनी चाहिए, उसका हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आप पूरी व्यवस्था पर प्रश्न लगा देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप तो चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो लोकतंत्र का प्राण है, यानी कि आप तो लोकतंत्र का ही गला घोट रहे हैं, उसको अपमानित कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। आप अपना ठीक है अपने मुद्दे उठाइए, लेकिन आयोग पर कोई सवाल मत खड़े करिए। राजनीतिक लड़ाई हमारी कांग्रेस की है, वो हम पर आरोप लगाते हैं, हम उन पर आरोप लगाते हैं, चलता रहेगा, लेकिन जो संस्था है अब न्यायालय है उसको लेकर के सवाल खड़े कर देते हैं कई बार ये लोग, तो ये नहीं होना चाहिए, ये देश के लिए उचित नहीं है, विषय राजनीति से ऊपर का है, मेरा निवेदन केवल इतना है। जी बिल्कुल दीप बोरा जी, जवाब दीजिए। देखिए वो कह रहे हैं कि जहाँ पर आपकी सरकार होती है वहाँ पर आप निगरानी क्यों नहीं करते, वहाँ आप ईवीएम को क्यों नहीं आप ये जिम्मेदार ठहराते। सुन लीजिए ना मैडम, सुन लीजिए, जब इनको पता लग गया बंगाल में ये हार रहे हैं तभी तो ये सब चीजें हो रही थी, अब यहाँ भी ये हार रहे हैं ये करेंगे, मध्य प्रदेश में तो ये जीते हैं, वहाँ भी तोड़ फोड़ करके ही जीते हैं ना, तो वहाँ भी तो इन्होंने यही सब ड्रामा किया है, क्या आपको नहीं पता? आज माननीय मुख्यमंत्री जी पैसे बांटते हुए और आचार संहिता लगी हुई है, पकड़े जाते हैं, उन्हें दूसरी पार्टी पैसे देते हुए पकड़ रही है, किशोर उपाध्याय जी अब इनके पाले में है, उनके भाई टीरी में पैसे देते हुए पकड़े जाते हैं, इधर सहदेव पुंडीर जी सहजपुर में पैसे बांटते हुए पुलिस के साथ पकड़े जाते हैं, तो क्या चुनाव आयोग क्या कर रहा है अभी तक इन पे कोई कार्रवाई करी है? तो हम तो बार बार ये मुद्दा, एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता या एक भी नेता से बांटता हुआ पकड़ा गया, इनके तो तीन तीन पकड़े गए हैं, सारी सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहे हैं, क्या वो वीडियो पे है? तो इन्हें बयान देना चाहिए ना, क्या आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ईवीएम में छेड़छाड़ की हुई? आपने नहीं देखा कि इनके नेताओं की जीपों में ईवीएम मशीन पकड़ेगी? आपके और मेरे घर में या वकील साहब के घर में मशीन है क्या? इनके कार्यकर्ताओं पे और इनके नेताओं पे मशीन कैसे आ जाती है? हम ईवीएम के जो वोटिंग पड़ी है उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम तो जो उनका रख रखाव है उस पर नजर रखने की तो बात गोदिया जी ने कही है। हम कब कह रहे हैं कि ईवीएम में वहां पंजाब में हम जीते और वहां मध्य प्रदेश में तोड़ फोड़ करके ये जीत गए और हम वहां हार गए? हम हार जीत की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो नजर रखने की बात कर रहे हैं, और ये हमारा दायित्व है, ये जनता ने आशीर्वाद दिया है, ये तो भाजपा को भी करना चाहिए। ये क्यों बौखला रहे हैं, क्योंकि आरोप लगा रहे हैं कि हम ईवीएम को गलत ठहरा रहे हैं, बिल्कुल। देवेंद्र भसीन बताइए, क्योंकि देखिए निगरानी कर रहे हैं वो अपनी तरीके से संतुष्ट रहना चाहते हैं, ईवीएम के बाहर स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर वो निगरानी कर रहे हैं, आपको किस तरीके की तकलीफ हो रही है, फिर क्यों आप तमाम जो बयानबाजी है वो कर रहे हैं? चलिए दीप बोरा जी, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी कि देखिए अब क्योंकि हरीश रावत का एक तमाम जो मुद्दा है इस वक्त खड़ा कर गया है, और जो बीजेपी है वो भी तमाम जो बयानबाजी है उनके भी सामने आ रहे हैं, पलटवार आप पर कर रहे हैं, हरीश रावत सीएम के पद पर अपने दावेदारी देख रहे हैं, आप किस नजरिए से देख रहे हैं इसे? निश्चित तौर पे ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, माननीय सोनिया गांधी तय करेंगी कि कौन, विधानमंडल तय करेगा, अगर हमें नंबर मिलते हैं और हमारा मैंडेट आता है विधानमंडल तय करेगा, वहां से ऑब्जर्वर आएंगे वो तय करेंगे, और हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने बयान साझा किया अपने मन की बात, लेकिन अगर देखिए नहीं, नहीं, मोदी जी रोज अपने रेडियो में मन की बात कर सकते हैं, तो हरीश रावत जी ने अगर हरीश रावत को सीएम के पद पर, क्योंकि 2012 देखिए 2012 का जिक्र करना चाहूंगी कि उस दौरान भी सीएम पद के दावेदारी पेश करते नजर आए थे हरीश रावत, 2012 में बहुगुणा को आपने बनाया सीएम पद, 2 साल बाद ही बगावत शुरू हो गई हरीश रावत की, और उसके बाद 2 साल बाद आपको सीएम का पद जो है वो बदलना पड़ा। देखिए आप, हमारी बगावत तो याद आ रही है, जो ये बगावत तो भाजपाइयों ने कराई ना, भाजपाई ने तोड़ फोड़ करी,
अगर विजय बोगड़ा जी को चीफ मिनिस्टर बनाया और दो साल रखा तो उन्हें पार्टी की सेवा करनी चाहिए थी। आज क्या हाल है उनका भाजपा में? और हमारे जो नेता गए थे उसमें से दो नेता बड़े नेता वापिस आ गए। तो आप ये देखिए, तीन तीन चीफ मिनिस्टर बगावत नहीं तो इनके बदले गए हैं। चलिए चलिए, बहुत बड़ा मुद्दा है जो देखना होगा कि क्या होता है, क्या हरीश रावत बगावती अपना तेवर दिखाते हैं कि नहीं। दीप बोहरा और देवेंद्र भसीन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये मामला एक तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है, हालांकि अब ईवीएम का मुद्दा भी गर्मा गया है। हालांकि किसकी जीत किसकी हार 10 मार्च को पता चल